रहे हैं दिल्ली का रास्ता भूल जाओगे। जरा नोट करना, ये तो गोली मरवा देंगे, दिल्ली का रास्ता भूल जाओगे। जरा गौर से सुनिएगा। तो सुना आपने, ये दारोगा जी आपको ऐसी गोली मारेंगे कि आप दिल्ली का रास्ता ही भूल जाएंगे। आखिर ये पुलिस वाला कौन है जो सरेआम गोली मारने की धमकी दे रहा है, और तो और ये भी दावा कर रहा है कि इनके गोली मारने से लोग दिल्ली का रास्ता ही भूल जाएंगे। खाकी वर्दी की आड़ में दारोगा जी अपने कर्तव्य का कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं, तभी तो ये पीड़ितों की सुनने के बजाय अपनी ही सुना रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ था। दरअसल अमेठी के भूसी यावा शाहगढ़ मार्ग के किनारे तालाब के पास एक युवक का अर्ध नग्न शव पाया गया, जिसके पैर भी बंधे हुए थे। जब गांव वालों को ऐसी हालत में युवक का शव मिला तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, जिसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव के पास से आधार कार्ड मिला, जिससे शव की पहचान की गई। पहचान से पता चला कि मृतक का नाम विजय सिंह था, जिसकी उम्र 35 साल थी। परिजनों को जब इस बात की सूचना मिली तो उनके घर की खुशी मातम में बदल गई। इस पूरे मामले पर मृतक के बड़े भाई नागेंद्र सिंह को इस बात का शक है कि किसी ने विजय की हत्या की है। विजय को न्याय दिलाने के लिए गांव वालों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को रोड पर रखा और मुसाफिर खाना हाईवे को जाम कर दिया और ये मांग शुरू कर दी कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। पुलिस को जब ये सूचना मिली तो सीओ अमेठी लल्लन सिंह मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराने लगे। इसी बीच परिजनों से उनकी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद वो अपना आपा खो बैठे और उनके बोल बिगड़ गए और उन्होंने परिवार को धमकी दे डाली कि गोली मरवा देंगे, दिल्ली का रास्ता भूल जाओगे। इसी बात को लेकर उनके और परिवार के बीच बहसबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा फूटा और वो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। अरे लहू कहाँ धोए यार, लहू कहाँ धोए। लल्लन सिंह गांव वालों को शांत कराने गए थे, मगर अपनी धमकी के चलते खूब वायरल हो गए। और जरा इनकी दबंगई तो देखिए, मामला शांत कराने के बजाय उल्टा लोगों पर अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए भड़क रहे हैं।